भुवन जोशी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, फिर अजीम साहब से बात करूंगा और हमारे सहयोगी अजीत भी बने। भुवन जी, अब ये सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? आजम खान से मिलने आपका डेलीगेशन गया, रविदास मल्होत्रा गए, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जानकारी थी, बाद में भी जानकारी दी गई थी कि हम मिलकर आ गए हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। सर, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीरता से कहा है कि आजम खान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है और आजम खान को लीगली मदद करेंगे। पर विषय पर मेरा क्या लगता है, कह रहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने, जैसा कि कहा है कि मेरे को एक गांव के कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम उनका लगा हुआ था, उसमें आना था, उनके विषय संज्ञान में नहीं है। हो सकता है उन्होंने कार्यालय पर बताया हो या ना बताया हो, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी के विषय संज्ञान में भेजा नहीं। तो रविदास मल्होत्रा जी झूठ बोल रहे हैं, आप ये कबूल कर रहे हैं? फिर देखिए, मैं करना चाहूंगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपके साथ पूरी पार्टी हमारी खड़ी है। सर, वो ठीक है, वो पता है आपकी पार्टी खड़ी है, वो पता है पार्टी खड़ी है, हमें पता है। आप ये बताइए ना कि रविदास मल्होत्रा जी झूठे, इसका मतलब फिर झूठ सच का तो आप लोग आग्रह कर सकते हैं, मैं किसी को झूठ और सच का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ। अजीम इकबाल जी, आपको लग रहा है आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है? भाई अजीम जी की आवाज उठाइएगा जरा। अजीम जी, आप थोड़ा आवाज, आपकी हमें मिल नहीं आ रही है, मिल नहीं पा रही, हम आएंगे लौटेंगे। मैं भुवन जोशी जी, एक बड़ा सवाल है आजम खान शिवपाल यादव से मिल लेते हैं, लेकिन आपकी डेलीगेशन, रविदास मल्होत्रा जाते हैं डेलीगेशन के अंदर, आपके प्रतिनिधि मंडल के अंदर, उनसे मुलाकात नहीं होती है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? फिर देखिए, जितना मुझे विषय का संज्ञान है, उतना ये पता चला है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं मिल रहा है। तो ये स्वास्थ्य, लंबे समय से कोई व्यक्ति जेल में है तो उसका स्वास्थ्य खराब होना स्वाभाविक है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं मिलेंगे, फिर मुलाकात हो जाएगी तो मिलने गए, तो ये विषय अपना। लेकिन ये है कि पार्टी पूरी तरह से माननीय आजम खान के साथ मजबूती से खड़ी। सर, फिर भुवन जोशी जी, आपकी पार्टी खड़ी हुई है, यही तो सवाल है ना, जो लोग हैं, जो आजम खान के समर्थक हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो यही तो सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव एक बार भी जेल में मिलने नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव ने हालचाल तक नहीं पहुंचा, अखिलेश यादव ने आवाज नहीं उठाई, ना कोई धरना प्रदर्शन किया कि सरकार आजम खान को प्रताड़ित कर रही है, यही तो असली बात है ना। फिर आप कहां खड़े हैं, शिवपाल यादव मिल लिए, अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी जेल में मिलने गए, उनके घर में मिलने गए, और उनका जो बयान है, मैंने आप, उनकी जो वाइफ है, उनका बयान मैंने आपके चैनल में, अन्य चैनलों में सब में देखा कि उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे साथ खड़ी है और पार्टी हमें लीगली मदद करने का काम कर रही है। ये मैंने आप देश के चैनलों में देखा, ये समाचार को। तो निश्चित तौर पर जब परिवार के सदस्य कोई टिप्पणी करता है, वही टिप्पणी को ऑथेंटिक माना जाता है, अन्यों की टिप्पणी पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता, क्योंकि समाजवादी पार्टी अजीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लगता है आपके आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर, थोड़ा माइक दुरुस्त करें, और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और ये नई सियासत के समीकरण क्या है, क्या आजम खान इसलिए नहीं मिले कि अखिलेश यादव नहीं गए? अजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, आलोक अवस्थी हमारे साथ है, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता है। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? आलोक जी, मुझे सुन पाए आप? चलिए, आलोक जी तक भी आवाज है। अजीत, अगर बात करें शिवपाल यादव की मुलाकात आजम खान से होना, और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का यह भी कहना कि बीजेपी इसमें क्या सिर्फ अपने माहौल को गर्मा रही है बीजेपी, या कुछ और अपना सियासी फायदा देख रही है बीजेपी? देखिए, जब बीजेपी हर दिन सियासत की एक नई चाल चलती है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। अभी जब हम अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री से पूछ रहे थे आजम खान को लेकर सवाल, तो उन्होंने कहा कि हम
हर दिन एक नया काम करते हैं और उस पचड़े में बहुत नहीं पड़ते, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो चलती रहती है। जो अभी बात कर रहे थे कि आजम खान की तबीयत खराब है इसलिए रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिले, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की तबीयत खराब है, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो हमको पता नहीं, रविदास मेहरोत्रा कहते हैं कि हम बात करके गए थे, और शिवपाल सिंह यादव से 1.5 घंटे मुलाकात करते हैं आजम खान, लेकिन समाजवादी पार्टी को समय नहीं देते। तो निश्चित तौर पर आजम खान रिजिड है, आजम खान को लगता है कि हमारी हैसियत के बराबर का नेता कोई हमसे मिलने आता, अखिलेश यादव को आना चाहिए था, मुलायम सिंह यादव को आना चाहिए जो उनके समकक्ष हैं, रविदास मेहरोत्रा कहीं नहीं टिकते आजम खान के खिलाफ, और यही बात आजम खान के समर्थक भी कह रहे हैं कि हमसे वोट तो ले लेते हैं लेकिन हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो हम इनके साथ क्यों खड़े हों। और बीजेपी की अब चूंकि सांसद हैं बिजभूषण शरण सिंह, बड़े नेता हैं, सियासत में माहिर हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे आजम खान से मिलने जेल में, उनसे बात करेंगे, तो आप समझिए कि अंदर खाने की सियासी जो रणनीति है, जो समीकरण है, वो बीजेपी बनाने में जुटी, और बीजेपी ये चाहती है कि आजम खान हमारे साथ आए या ना आए, लेकिन अखिलेश यादव के साथ ना रहे, अगर अखिलेश यादव के साथ आजम खान नहीं रहते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने हाशिए पर आ जाएगी। अभी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होगा, और आजम खान अगर समाजवादी पार्टी में नहीं होंगे तो अखिलेश यादव को